लागू नहीं होती हैं। पैरेटो की अनुकूलतम सिद्धांत लागू तभी हो सकती हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता हो। इसके अतिरिक्त यदि अर्थव्यवस्था में बाह्य कारक उपस्थित हों, उदाहरण के तौर पे यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र में बाह्य मितव्ययता और उपभोग के क्षेत्र में बाह्य अमितव्ययता विद्यमान होती है, तो ऐसे स्थिति में पैरेटो के सिद्धांत या पैरेटो के अधिष्ठित शर्त के लागू नहीं होने के कारण, पहला उसका कारण है यदि बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक तत्वों का विद्यमान होना। यदि बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता है या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्य तत्व हैं जैसे अल्पाधिकार तत्व हैं या एकाधिकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में हम पैरेटो के शर्तों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पैरेटो के शर्त को प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कौन कौन से शर्त आवश्यक हैं या कौन कौन से कंडीशंस हैं, ये इस प्रकार से हैं। परंतु यदि बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, तो ऐसे स्थिति में दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापना दर दोनों वस्तुओं के बीच सीमांत परिवर्तन दर के बराबर नहीं होगी, ना ही सीमांत प्रतिस्थापना दर और न सीमांत परिवर्तन दर दोनों वस्तुओं का जो मूल्य का अनुपात है PXY इसके बराबर नहीं होगी। इसके लिए हमें डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा और ये डायग्राम हम लोग अब इस प्रकार से देख सकते हैं। OX और OY अक्ष है। OX पर हम वस्तु X और OY पे वस्तु Y को लेते हैं। PP हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। PP वक्र क्या बताता है? PP वक्र यह बताता है कि एक इकाई X को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी इकाई Y का प्रतिस्थापना करना पड़ेगा। और ये जो वक्र PP है, यह E बिंदु पे IC तटस्थता वक्र के साथ स्पर्श करता है, टेंजेंट। और इस बिंदु पर हम यह शर्त MRD सीमांत परिवर्तन दर दो वस्तुओं के बीच बराबर होगा सीमांत प्रतिस्थापना दर दो वस्तुओं के बीच, यह शर्त हम प्राप्त या पूरा कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सटर्नलिटीज़ या बाह्य कारक। ये जो बाह्य कारक होते हैं, यह पैरेटो की अनुकूलतम सिद्धांत की शर्तों को सही प्रकार से लागू नहीं करने देते हैं। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, बाह्य कारक क्या होते हैं? बाह्य कारक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ हैं। बाह्य मितव्ययता एवं अमितव्ययता है जिसके कारण सोशल कॉस्ट सामाजिक मूल्य, वस्तुओं के उत्पादन का जो सामाजिक मूल्य होता है, सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वस्तुओं के मूल्य का जो निजी, ये शर्त क्यों लागू नहीं होती है इसे हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन। एक्सटर्नलिटीज़ या बाह्य कारक किस प्रकार से पैरेटो के सिद्धांत को, पैरेटो की एफिशिएंसीज़ या शर्तों को लागू नहीं करते, वह हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के बाह्य मितव्ययता। बाह्य मितव्ययता कब कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग ये तभी प्राप्त करता है जब इनपुट कॉस्ट वस्तु या इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं आगतों के मूल्य में। दूसरी ओर हम आते हैं, ये देखते हैं कि एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, पहला हमने पढ़ा है उत्पादन में बाह्य मितव्ययता, और अब हम आएंगे उत्पादन उपभोग में बाह्य अमितव्ययता, डिस इकोनॉमीज। अर्थात ऐसी स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं, जब उपभोग में उपभोक्ताओं को डिससैटिस्फैक्शन या असंतुष्टि की प्राप्ति होती है। डिससैटिस्फैक्शन या असंतुष्टि एक उपभोक्ता को ओवरऑल या हम देखते हैं लाभ में
लाभ में नुकसान या लाभ में कमी प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में प्राप्त होने वाली सार्वजनिक वस्तुएं पैरेटो की दक्षता सिद्धांत और बाजार विफलता के न लागू होना अर्थात बाजार विफलता के कारण का एक प्रमुख कारण होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता किसी दूसरे उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बावजूद भी इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात यदि कोई उपभोक्ता यदि ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करे जिसका प्रभाव दूसरे उपभोक्ता के संतुष्टि या उपयोगिता पर ना पड़ता हो असर ना पड़ता हो उसे हम सार्वजनिक। धन्यवाद।